तो आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशल गेस्ट में गुंजन की फ्रेंड। तो पहले तो आपने देखा गुंजन की फ्रेंड कौन थी, दूसरी वही थोड़ी है वही है। नहीं, आज मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कभी मेरे घर पे आते रहते हैं, तो आज बिल्कुल आज मेरी ये फ्रेंड है जिसका नाम डिम्पल है, तो आज ये मेरे घर आई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इतने सालों की दोस्ती में पहली बार मेरे घर पे आई है, तो आज इसने पहली बार मम्मी के हाथों का खाना भी टेस्ट किया और काफी टाइम से मम्मी को फॉलो भी कर रही, तो बाकी की चीजें आपको यही बताएगी कि किस तरह से इसको सब कुछ लगा है। नॉन आंटी का खाना तो हमेशा से मैंने सुना ही है गुंजन से कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और आज आके मैंने वो देख भी लिया। सो अभी आज हम मैं उनसे सीखूंगी कि हाउ टू मेक अ फ्रूटी, सो लेट्स चेक आउट। तो अभी तक आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की मेरी? वैसे पहले इसका फोन आया करता था कि आंटी भैया कहीं अटक रही हो तो आप मुझे बताइए। हाँ, तो आंटी ने मतलब बहुत पहले रेसिपी बताई थी अपने चैनल पे, लाइक हाउ टू मेक मोहनथाल। सो मैंने वो ट्राई किया था अपने लॉकडाउन में एंड इट केम आउट सुपर डिलीशियस। सो मैंने सोचा था कि मैं पोस्ट लॉकडाउन आऊंगी, लेकिन वो डिले होता गया एंड वो होता ही चला गया। सो हम आज उनसे सीखेंगे और होपफुली मैं कुछ सीख के भी जाऊंगी घर पे जाके। आज ही मैं जल्दी ये सिंधी कुकीज भी बनाने वाली है, सुपर सुन जल्दी। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको जितना अच्छा रिस्पांस आप देंगे उतना जल्दी ये फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार होगी। क्योंकि अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो डेफिनेटली ये सुपर सून जो बोल रही है वो मिलेगा, अदरवाइज यू डो इट विल गेट डिले। रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट अ सिंधी कुकी फॉर श्योर। तो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब ये वीडियो पूरा वायरल जाए, 1 लाख से ऊपर व्यूज चले जाए, मैं तो चाहती हूँ चले जाए, चाहने वालों के ऊपर है, खाने पीने वालों के ऊपर। चलिए फिर फटाफट से बिना देरी किए अपन रेसिपी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है एंड फ्रूटी हर किसी की फेवरेट होती है। तो अभी आम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, तो बस फटाफट से अब हम देखते हैं कि फ्रूटी कैसे बनाते हैं। दिखाते हैं आपको क्या क्या इसके तो लिए। इसके लिए हमने लिए 3 मैंगो और 1 कच्चा आम, इसे कैरी भी बोलते हैं और कच्चा आम भी बोलते हैं। तो इसको रेसो होता है, 3 आम ले लीजिए और 1 कैरी ले लीजिए, आम कोई से भी ले लो आप। मैंने लिए केसर, आप हापुस भी ले सकते हो और सफेदा भी ले सकते हो और लंगड़ा भी ले सकते हो, तो जो आपके पास हो वो आप ले सकते हो। तो इनके छिलके हटा के हम इसकी प्यूरी निकाल लेंगे। बिल्कुल, अब चाहो तो आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हो, कच्चे आम को अलग काट लो और इसको अलग करो, लेकिन हमें पीसना है तो क्यों नहीं हम एक साथ ही पीसे, तो मैं एक साथ ही 3 सभी चीज को मिक्स कर लूंगी। तो इनके छिलके उठा लेंगे। तो मैंगो फ्रूटी तो डिम्पल भी बोल रही थी मैंने बना के देखी थी। हाँ, मैंने बनाई थी ना, लेकिन वो लॉकडाउन में बनाई थी शायद। अच्छा, आपसे ही बनाई थी। अच्छा, अभी बैठे थे खाना खा के बैठे बैठे, मैंने कहा चल आज अपन वीडियो तैयार करते, तो डिम्पल तुरंत तैयार हो गई कि चलो आंटी बना लेते हैं। मैंगो फ्रूटी और इंस्टेंट भी है ये। हाँ, फास्ट बन जाएगी। पिछली बार तो मैंने इसे लाइव दिया था फ्रूटी को, और बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इसे बना के रख दीजिए। कौन से आम है? हापुस आम। मैंने केसर लिए है। और हापुस आम भी ले सकते हैं? हापुस भी ले सकते हैं। इनके छिलके उठा लेंगे, उठाई लिए और इनके हम पल्प निकाल लेंगे। तो अभी तो वैसे मम्मी से कह रही है, लेकिन अगली बार ये सिखाएगी नहीं, अगली बार घर पे जाके बनाएगी मम्मी के साथ कि मैं मैंगो फ्रूटी सीख के आई हूँ। और क्या क्या चीजें आती है बनाना? मैंने एक्चुअली बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है, एक्चुअली लाइक हैविंग डोसा बनाया हुआ है मैंने मोहनथाल, मीठे में मोहनथाल बनाया है, और लाइक मूंग दाल का चिल्ला हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने आंटी के उससे भी सीखी है। सो गर्मियों का सीजन है तो क्यों नहीं मैंगो फ्रूटी, और ये काफी रिफ्रेशिंग भी होती है, तो ऑब्वियसली आप इसे बना के रख दीजिए, 7 दिन तक खराब नहीं होती। कोई भी गेस्ट आता था आप इसे तुरंत इंस्टेंट आप बना के दे सकते हो ना? नहीं, इंस्टेंट नहीं, बना के रखोगे क्योंकि फिर ठंडी नहीं होगी, मतलब हाँ ठंडी करके सर्व दैट। हमें पता है कि आज कोई आ रहा है तो आप पहले से बना के रख दीजिए ताकि गेस्ट के पास भी आराम से बैठ सके। हाँ, वो तो है। सो अब हम इस आम को और इस कैरी को इस मिक्सर जार में डालेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। चाहो तो अलग अलग भी पीस सकते हो। हाँ, और एक साथ भी पीस सकते हो। बेटर रहेगा कि आप इसको एक साथ ही पीसो, आपकी मेहनत थोड़ी कम मेहनत कम हो जाएगी। एग्जैक्टली।
उसमें पानी की आवश्यकता हो तो पानी डाल लिए, बाकी बिना पानी के भी पीस सकते हैं। हाँ पानी तो जो आपने डाली, बाकी अगर आप इसको एक साथ नहीं पीसना चाहते हैं तो जैसे जो आपूस आम होते हैं उनको तो आप बिना पानी के पीस लीजिए, और जो कैरी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लीजिए, दोनों अलग अलग उस तरह से। बाकी से क्या है, खट्टापन भी आता है और एक टैंगी फ्लेवर, टैंगी फ्लेवर भी आपको मिल जाता है। तो आप मैटर में क्या पानी डाल लेते ताकि आराम से पीस जाए। हाँ तो अब हमने इस मिक्सचर जार में ये भर लिया है और हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो जैसे भी हमने देखा था कि हमने अभी इसको ग्राइंड किया था, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो आप कि अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और उसको धीमी आंच पे पकाएंगे, है ना आंटी? अभी देख धीमी पे नहीं, अभी तो हमने गैस बंद कर रखी है। गैस बंद, पैन गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर तो फुल रखेंगे फिर हम धीमी कर लेंगे। इसमें पानी डालेगा? पानी डालेगा, जार में डाल लेते हैं। हाँ। ताकि जार में जो भी है इतना माल वो भी आ जाएगा ना, आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गैस चालू कर देते हैं और इसमें मैंने लिए सारा, हाँ पूरा डाल दे। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमें डालनी चीनी, चीनी क्यों डालेगी? मैंने ये कप से एक कप चीनी ली है और वेट में नापे तो 240 ग्राम चीनी है। चीनी को डाल दो तो ये हम अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, चीनी कम ज्यादा आम के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी इतनी तो डलेगी। अच्छा इतनी जरूरी है? हाँ ठीक है। हाँ अभी तो हम 5 मिनट फुल आंच करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे और फिर बाद में 5 मिनट सिम आंच पे पकाएंगे। तो इसे कम से कम 10 मिनट पकाना है, घड़ी में देख के आप 10 मिनट पकाना। अच्छा इसको चलाते रहना तब तक? हाँ जब तक चीनी नहीं। नॉन स्टिक है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन अगर दूसरा पैन लेते हैं तो उसमें चलाना पड़ेगा। और कौन कौन से आम से बन सकती है ये? मैंगो हमने तो बनाया केसर आम से, बाकी हापुस भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, लंगड़ी भी, जो भी आपके पास अवेलेबल, लेकिन सबसे अच्छे लगेंगे हापुस और केसर आम की। वो सबसे ज्यादा मीठे फ्लेवर के आते हैं, जो उनमें एकदम प्रॉपर एकदम बाजार जैसा फ्रूटी फ्लेवर जो होता है बिल्कुल एकदम प्रॉपर वो आता है। अगर अपन नॉर्मल लंगड़ा आम या सफेदा लेते हैं, बाकी पहले तो मैंने हमेशा ही हापुस से बनाई तो वो थोड़े से खट्टे भी आता है, तो उनमें फिर चीनी ज्यादा डलती है। नहीं चीनी तो इतनी डलेगी लेकिन जो फ्लेवर आएगा ना वो आएगा हापुस से। लेकिन आज मेरे पास हापुस अवेलेबल नहीं था और डिम्पल आई हुई थी और मैंगो फ्रूटी बनानी थी, तो हमने जो आम थे उसी से बना ली। चलो इसी बहाने में आंटी से कुछ सीख के जाऊंगी आज, है आंटी? और अब बोल भी अगर समर वेकेशन की क्लास लेना चाहते हैं तो क्या कहना चाहोगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल मौका नहीं छोड़ने का, अगर आंटी के पास चांस मिल रहा है ना तो डोंट वेस्ट इट। सही बोल रही हूँ, आज ही मैंने इनके हाथ की वो खाई है आलू भूले की राबड़ी, आलू प्याज की सब्जी, टू डिलीशियस, बहुत अच्छी थी। अब ऐसे तो तुम्हें टेस्ट पता चलेगा नहीं, तो उसके लिए तुम्हें घर आके एक बार आंटी के हाथ का खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, टेस्ट तो पता चल जाएगा। तो फिर इससे बेटर है कि घर आओ और एक बार आंटी से खुद सीख के जाओ, बेटर नो? इसमें बबल्स आना शुरू हो गए, अब क्या करना है? अच्छा अब इसमें उबाल आ गए तो अब इसे आप गैस सिम से मीडियम करेंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। तभी तो मीडियम करो। हाँ गैस खोल लो ना अभी अपनी, मीडियम कर लो और कंटिन्यू चलाते रहो बस। अब हो गया? हाँ कंटिन्यू चलाते रहना है, कब तक? कम से कम 5 मिनट, मतलब पूरी आप घड़ी में देके 10 मिनट पका लीजिए और 10 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। तो अभी हम चेक करेंगे, 5 मिनट और पकने देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बाकी जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी देखिए कंसिस्टेंसी बनने लग गई है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग जाता है कि कब इसका तार बनने लगेगा। बाकी फ्रूटी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट, पूरे 10 मिनट में फ्रूटी तैयार। सच अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक यू कैन हैव एट योर होम, सो ट्राई दिस। तो आज तो डिंपल घर जाके ये बनाने वाली है मम्मी के साथ मदर डे डेफिनेटली बनाने वाली हूँ। आज मदर्स डे का मौका है और ये हमारे घर पे आई है, तो इसलिए ये मदर्स डे काइंड ऑफ अ स्पेशल वीडियो, बट नॉट विद मी बट विद माय फ्रेंड। या आपको दूसरा इंसान देखने को मिलेगा फॉर अ चेंज इन अ वीडियो। तो इसमें छींटे लगते हैं तो थोड़े ध्यान से ही करिए। चेक कैसे करना है? जस्ट टू चेक इसकी इस तरह तार। ये तार देखिए, इस तरह से तार बनने लग जाता है, ये देखिए।
ये तो 10 मिनट में बनने मतलब तैयार हो जाता है आपको, 10 मिनट बाद बिना सोचे समझे ही गैस बंद कर दो, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। तो कितनी देर हो गई अभी पकाते हुए? हमको 10 मिनट हो गई। हो गई तो हाँ। गैस बंद कर देते हैं। हाँ। और इसे हाँ कर दो। अब इसे हमें छानना है। तो आंटी इसको एग्जैक्टली मतलब अभी उतार के छान लें? छान लेती हूँ मैं तो गर्म में, क्योंकि हमें तो वीडियो बना रहे हैं तो तुरंत सब कुछ बताना रहता है। अच्छा, वैसे आप इसको ठंडा करके भी कर सकते हैं ना, मतलब वैसे इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसके बाद छान लो तो ज्यादा बेटर है कि पंखे में रख दो उसको नॉर्मल ठंडा होने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसको एक बाउल में डाल के इसको छान लेते हैं। ये हमने चलने रख दी है, इसमें पानी डाल लेते हैं और हम इसको थोड़ा हल्का हल्का करते हुए पूरा छान लेंगे, छानते जाएंगे और धीरे धीरे इसमें पानी डालते हुए करते जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ इतना सही पल्प रिमेनिंग है, तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो और भी जो भी होगा इसमें एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है, कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ताकि इसका उसको चलाते जाएंगे ताकि इसका जो भी पल्प रिमेनिंग है वो उसका स्टैक निकल जाए। कढ़ाई में हमने पानी इसलिए डाला है कि उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसमें निकलता हुआ बाहर आ जाए, तो सारी चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना ही चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। पूछा कर ले, सास तो घर जाके मम्मी को बताने वाली है। हाँ? लेके भी जाएगी अभी? नहीं, पी के जाऊंगी, पिलाना तो पड़ेगा आंटी। नहीं, लेके भी जाना क्यों, मैं ये बना के आई हूं। मैंने बनाया तो वो पी के तो जाऊंगी ना, क्यों पूछा कर लो ताकि नीचे बाकी जैसे जनरली ये होता है कि फ्रूटी ठंडी अच्छी लगती है, तो आप वैसे तो इसको फ्रिज में रख के आप इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड इसको इमीडिएट पीने का है तो फिर आप उसमें ठंडा पानी डालिए एंड उसमें आप फिर आइस क्यूब्स डालिए एंड देन यू कैन हैव इट डायरेक्टली। और अगर आपको भी इमीडिएट पीनी है तो आप देख सकते हो कि हम अभी क्या करने वाले हैं जिससे आप इमीडिएट इसे पी भी सके। ये फाइबर निकल गया इसका, वेस्ट हो गया। अब ये पल्प एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ये इसे चलती से इतने रखते हैं, इसी में रखते हैं। अब एक बार इसे मिक्स और इसे हम एक बार मिक्स कर चलाते हैं कि एकदम ये फ्रूटी बन के वैसे। अभी आम के ऊपर डिपेंड है, अगर आम खट्टे हैं तो आपको लेमन जूस डालने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार हम चम्मच से इतना नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून मैं वीडियो को दिखा रही हूँ, बस इतना ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, इससे क्या आएगा टैंगी फ्लेवर। वो एक्चुअली आम पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से। एक बार आप नींबू डालने से पहले एक बार आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, डालोगे तो अच्छा लगेगा। अब गरम गरम टेस्ट करेगी? गरम गरम नहीं, अभी इसको अभी हम ठंडा करते हैं फिर ये टेस्ट करके बताएगी। अभी इसे हम तुरंत फ्रीजर में रखते हैं तो बस अभी ये हमारी फ्रूटी बन गई है, वैसे तो ये रेडी टू ड्रिंक है लेकिन इसको थोड़ा ठंडा करके आप इसका मजे उठाएंगे। और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में, और ये 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होती, तभी हम ठंडा होने के बाद टेस्ट करके बताएंगे। थोड़ी देर हम ठंडा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला तो हमें थोड़ी थिक लगी, तो फिर अभी इसमें आइस क्यूब डाल लिए। मतलब थिकनेस के हिसाब से अगर आपको थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो, तो इसमें करीबन 1.5 लीटर पानी डल गया है। जितना आपको थिक चाहिए, अगर आपको थिक पीना चाहो तो आप थिक भी पी सकते हो, और अगर आपको ज्यादा थिक लग रहा हो नहीं पीना हो तो आप उसको पतला करके भी एक्स्ट्रा पानी डाल के आप पी सकते हो। तो ये अब हमारा बर्फ के साथ काफी ठंडा और रिफ्रेशिंग हो चुका है, तो अब हम इसको एक ग्लास में भर लेते हैं और जो हमने भर लिया है थोड़ा सा और भर लेते हैं और इसको आप ट्राई करते हैं कि कैसा बना। तो बिल्कुल अभी हमको टेस्ट करके बताएगी। सॉरी आंटी बाय। तो इसको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है। तो ये हमारी मैंगो फ्रूटी बनके रेडी हो गई है। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे अपन जो बाजार में अपन फ्रूटी वगैरह पीते हैं नॉर्मली, जो टेट्रा पैक्स आते हैं एंड जो अपन ने घर में बनाई है, दोनों के कंपैरिजन में विच वन इज बेटर? एंड मुझे ऐसा कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आया। मैंने क्या कहा, मैंगो का फर्क है। हाँ, अगर हम मैंगो का डिफरेंस आ सकता है, वो कौन सा मैंगो यूज करते हैं टेट्रा पैक में और आप नेचुरली बना रहे होते हो तो उसमें स्लाइटली डिफरेंस तो आता ही है। और मैं रिकमेंड करूंगी कि घर का बनाया हुआ आप रिफ्रेशिंग खुद ही बना लो,
तो ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें कोई एडेड फ्लेवर्स भी नहीं होते हैं एंड वो नेचुरल होता है एकदम कम्प्लीटली। इसमें आपके पास कोई क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कितना भी चाहो आप बना सकते हो। वहाँ गया टेट्रा पैक में 10 रुपए की बॉटल आई, थोड़ा सा मिला, थोड़ा एमएल और खत्म। ऐसे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कितने सारे फ्लेवर्स आपको ट्राई करने को मिलते हैं। इसके अंदर आप कच्ची कैरी मिलती है आपको, आपको आम के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। तो यू मस्ट ट्राई दिस एट होम, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। और मेरा ग्लास एक्चुअली वेट कर रहा है तो बिल्कुल अब ये थोड़ा सा हम एंजॉय करेंगे फ्रूटी। तो बस जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एंड इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। हाँ, और जो लोग आंटी को फॉलो नहीं करते हैं जल्दी से फॉलो करना शुरू कर दो क्योंकि काफी रिफ्रेशिंग है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। ठीक है, सो के बाय। तो चलिए फिर फटाफट से, ओके बाय।